आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। स्कूल में रखे गए एमडीएम के 12 क्विंटल चावल और पंखे की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। चान्हो प्रखंड के बलसुकरा पंचायत के अंतर्गत एनएच 75 के किनारे स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा एमडीएम के लिए रखे गए 12 क्विंटल चावल में से पूरे 12 क्विंटल की चोरी कर ली गई है। साथ ही क्लासरूम में लगे 3 पंखों को भी चुरा कर ले गए चोर। प्रधान अध्यापक परवेज अख्तर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। सोमवार की सुबह जब हमने स्कूल खोला तो देखा जिस कमरे में चावल रखे गए हैं उस कमरे का ताला और कुंडी टूटा हुआ था। तभी अंदर जाकर देखने के बाद पता चला कि एमडीएम के लिए रखे गए चावलों में से 12 क्विंटल चावल की चोरी कर ली गई है। साथ ही चोरों ने क्लासरूम में लगे 3 पंखे भी चुरा ले गए। मालूम हो कि इसी स्कूल में लगे मोटर पंप की चोरी मई माह में की गई थी। चोरी की सूचना प्रधान अध्यापक परवेज अख्तर के द्वारा चान्हो थाने में दी गई है। चान्हो थाना प्रभारी ने बताया चोरी की सूचना मिली है, इस पर जांच कर रही है पुलिस। जल्दी ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे चोर। स्कूल का आज 15 तारीख 15 जून सोमवार को जब मैं 9 बजे स्कूल खोला और मेरे साथ 2 मैडम थी, भवानी कुमारी और रसीदा बानी, उनकी मौजूदगी में ताला को देखा तो ताला अटका हुआ है, जिसका फ़ोटो मैंने ले लिया किस तरह से लटका हुआ है। उसके बाद हमको शक हुआ कि अंदर चोरी हुआ है, कुंडी टूटा हुआ है। अंदर गए तो देख रहे हैं 12 क्विंटल चावल गायब हैं और एक उसी ऑफिस से, उसी गोदाम से एक पंखा गायब है और बगल के भवन में से 2 पंखा गायब है। इसके पूर्व 7 मई को जब स्कूल लॉकडाउन में आया था, क्लास के देखने के लिए, भवन को देखने के लिए आए, तो फिर चापाकल की तरफ गए तो देख रहे हैं वहाँ से पंप सेट गायब, जिसकी लिखित शिकायत थाने में दिया एफआईआर की मेरे पास। और 1 महीना 10 दिन के बाद चावल और पंखा चोरी।